में हमने अभी एवरेज पावर का फॉर्मूला किया, एवरेज पावर इज इक्वल टू ईवी आईवी कॉस फाई। एवरेज पावर को कभी कभी ट्रू पावर भी बोलते हैं, ईवी आईवी के मल्टीप्लीकेशन को कभी कभी वर्चुअल या एपरेंट पावर भी बोलते हैं, और कॉस फाई वाली टर्म को पावर फैक्टर बोलते हैं। तो बॉक्स में डाल लो, कॉस फाई इज नोन एज पावर फैक्टर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ट्रू पावर इज एपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर। तो ये याद रखो, इसमें पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। अगर आपको इंपीडेंस ट्राइंगल याद हो, हमने किया था एलसीआर में, कॉस फाई की वैल्यू क्या होती थी, आर बाय सेट। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला मार्क करो, आर बाय सेट। ठीक है यहां तक, पावर फैक्टर इज आर बाय सेट, राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए, और बहुत आता है ये, देखो इनडायरेक्टली क्वेश्चन देखो क्या सही क्वेश्चन देता है। अगर मैं आज की डेट में आपको बोल दूं कि किसी क्वेश्चन में रेजोनेंस है, आप ना ब्लाइंडली पुट करोगे एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो रट गया ना, पिछले लेक्चर से बोली क्या, एक ही तो टर्म बोली जा रहा हूं मैं, रेजोनेंस है तो एक्सएल एक्सी के इक्वल है। तो अगर एक्सएल एक्सी के इक्वल है तो एल ओमेगा इज इक्वल टू वन बाय सी ओमेगा आंसर आ जाएगा, वो रेजोनेंस बोलना ही बंद कर देगा। बच्चों को याद हो जाता है ना, कहेगा पावर फैक्टर वन है, पावर फैक्टर वन है, तो कॉस फाई की वैल्यू, यानी कि पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। तो वो क्या कहेगा कि लेट अस सपोज पावर फैक्टर वन है, ठीक है, पावर फैक्टर होता क्या है, आर बाय जेड। इसका मतलब जेड किसके इक्वल, किसके इक्वल है, आर के। तो आपको लगता नहीं कि जेड मिनिमम हो गया, और जेड आर के इक्वल मिनिमम कब होता था, जब क्या होती थी, रेजोनेंस। तो अब लगेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ऐसे रेजोनेंस देता है वो पावर फैक्टर की हेल्प से, ठीक है। अब जिसने पावर फैक्टर पढ़ रखा है, फिर जेड आर के इक्वल रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ रखी है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, ठीक। तो लूप होल समझ में आ रहे हैं कि कैसे लूप होल्स हैं इसमें, करते हैं ट्राई। तो पावर फैक्टर जीरो, मतलब अगर रेजिस्टर है, रेजिस्टर में फाई क्या होता है, जीरो, तो पावर फैक्टर इसका वन होता है। इंडक्टर या कैपेसिटर का क्या होता है, जीरो होता है, राइट। फिर एक क्वेश्चन आता है, आइडियल या वॉटलेस करंट क्या होता है, वॉटलेस का मतलब पावरलेस करंट। जब आपने इंडक्टर या कैपेसिटर लिया था, उसमें कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर क्या आई थी, जीरो। तो वो करंट जो एवरेज पावर को जीरो प्रोड्यूस कर देता है इन अ कंप्लीट साइकिल, उसको वॉटलेस करंट बोलते हैं। ये तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन हो गई। कंपटीशन में क्या आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट। वो वैल्यू कैसे निकलेगी वॉटलेस करंट की, इंस्टेंटेनियस निकलेगी, नहीं। वैल्यू निकालने का एक बहुत सही तरीका है, देखो इस पे कंपटीशन में न्यूमेरिकल भी आए हुए हैं, जो मेरी जो शीट्स आएंगी अगली बार से वो कंपटीशन की अलग है, तो मैंने बुकलेट में इंक्लूड नहीं किया उसे, तो वो सारी की सारी सिर्फ कंपटीशन बेस्ड ही रहेगी सारी। तो उसमें सारे ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स सब उसी में मिलेंगे आपको। वॉटलेस करंट की वैल्यू देख लो क्या होगी, सपोज करो दिस इज ई आर एम एस, मान लो ठीक है कोई ई आर एम एस है, वोल्टेज है, और मान लो दिस इज आई आर एम एस, ठीक है कि कोई वोल्टेज और करंट में किसी इंस्टेंट पे एंगल कितना है, फाई है। कोई आगे है कोई पीछे है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मर्जी आगे हो कोई मर्जी पीछे हो, तो ईएमएफ और करंट में एंगल कितना है, फाई है। अब अगर मैं करंट के एलिमेंट्स लूं एक मिनट के लिए, तो एक इसका कॉम्पोनेंट जाएगा आई आर एम एस साइन फाई, और एक जाएगा आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। मेरे को ये समझ में आता है आज के रिजल्ट से, इंडक्टर और कैपेसिटर के रिजल्ट से, क्या कि अगर करंट और वोल्टेज में एंगल अगर 90 है तो एवरेज पावर पक्का ही जीरो होती है। अगर करंट और वोल्टेज में एंगल 90 है, एवरेज पावर जीरो होती है। मुझे दिख रहा है कि ये वाला करंट और ये जो स्टैंडर्ड वोल्टेज थी, इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है, 90। इसका मतलब अगर मैं इस करंट के साथ एवरेज पावर निकालूं, तो ये पावर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, कि जिन करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 90 होता है, तो एवरेज पावर क्या कंट्रीब्यूट करती है, जीरो। ये नहीं करेगी, ये तो करेगी कुछ, ये इसका एवरेज पावर जीरो नहीं होगा, क्योंकि ईएमएफ और इसमें एंगल 90 नहीं बना, पर इनमें बना। तो क्वेश्चन आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ आरएमएस करंट, तो क्या आंसर आएगा, आई आरएमएस साइन फाई।
दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉटलेस करंट. तो जब न्यूमेरिकल आएगा यू हैव टू कैलकुलेट आई आर एम एस साइन फाई. ये न्यूमेरिकल आएगा ऑब्जेक्टिव में कि वॉटलेस करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी. ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? तो बाकी हमने एनर्जी स्टोर का कर लिया था, ये सारा काम हमारा कंप्लीट है और डन. बुकलेट को तो अब करते हैं क्लोज.